आशीष जी, आप युवा छात्र नेता हैं और आज की जो विडंबना है देश के अंदर की, जो एक भगवा आतंक है, ये क्या है भगवा आतंक? देखिए, हो क्या रहा है कि आजकल एक पर्टिकुलर विचारधारा की सरकार चल रही है, अब उस विचारधारा की सरकार में भी आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब कुछ लोगों को चाहिए कि इस आइडेंटिटी क्राइसिस में हम अपने आप को कैसे उभारें, इसलिए वो और अब जैसे भगवा की सरकार है तो वो अति भगवा यानी एक्सट्रीम भगवा को लागू करना चाहता ताकि उनकी एक आइडेंटिटी बन सके। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ तरीके के लोग, कुछ कुकुरमुत्ती की तरह कुछ ऐसे लोग निकल के आ गए हैं जो कट्टरवादी विचारधारा रखते हैं, जो इस देश में उसी तरीके से जैसा हम लोग नॉर्थ सेंट्रल में देखते हैं, पाकिस्तान में देखते हैं, अफगानिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पर एक्सट्रीम तत्व के लोग उभर रहे हैं, वैसा ही उभार हम लोग इस समय भारत में भी देख रहे हैं। ऐसे उभार को काउंटर करने के लिए लोग बोलते हैं कैसे, किस विचारधारा से काउंटर किया जा सकता है, कैसे उनको काउंटर किया जा सकता है। उनको काउंटर एक ही विचारधारा से किया जा सकता है जो समतामूलक समाज की स्थापना चाहती हो, जो देश में शांति व्यवस्था और कानून का राज चाहती हो। ऐसी एक विचारधारा डॉक्टर बीआर अंबेडकर और डॉक्टर बाबा साहब ने विचारधारा दी, और आज क्योंकि मनुस्मृति दहन दिवस है, मनुस्मृति दहन दिवस में उसी विचारधारा की तिला को जलाया गया था। आज इसीलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि उस विचारधारा को जिस समय अंगीकृत हो रही है, इस समय और उफान ले रही है, उसको केवल एक ही विचारधारा उसको काउंटर कर सकती है, वो है डॉक्टर बीआर अंबेडकर वाली विचारधारा। इसीलिए हम लोग यहाँ